आपके पास कैसे नेशनलिटी है, आप क्या शादी दर की हुई आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं भी कोई इतना इशू नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरोज चौधरी व्लॉग। आज काफ़ी दिन बाद वापसी है, एक तो है ना मूड थोड़ा सा हो गया था ऑफ से, मतलब ये है कि एक यहाँ पे हालात इस तरह के हुए हैं, पाकिस्तान में सैलाब वगैरह आया आपको पता है, हम लोगों ने खुद भी मदद की है जितनी हो सकी है, और सबसे अच्छी खबर लगी जो पाकिस्तानियों ने किया कि जो है ना खान साहब से 3 घंटे बैठे हैं और 500 करोड़ जो है ना उन्होंने माशाल्लाह कर लिया, बड़ी एक अच्छी हुई खुशी हुई है, हमने भी कोशिश की है और हमारे दोस्तों ने भी उन्हें किए जितनी हो सके। अगर आप लोग भी करना चाहें तो करें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट पाकिस्तान के लिए जो सैलाब का आपको पता है एक आया हुआ है, और कल इंशाल्लाह हम नई एक वीडियो लेके आएंगे स्पेशल, जो कि स्पेशल रोमानिया की जो बहुत ज़्यादा लोग रिक्वेस्टें कर रहे हैं उसकी होगी, और आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक आटो लवाजो है, आटो लवाजो से मतलब ये गाड़ियों धोने वाला एक शोरूम है, उधर हम खड़े हुए हैं और बाइक इंटरव्यू वगैरह लेते हैं कैसे एक बंदा नया आन के कैसे अपना कारोबार शुरू कर सकता है और कितना खर्चा आता है और कितने पैसे बंदा आसानी से कमा सकता है। चलते हैं सर्वर स्टेशन, सॉरी, तो अभी हम सबसे पहले मिलाते हैं शाह साहब से, शाह साहब इधर हैं सबसे पहले, ये बंदे ना थोड़े से शर्माते हैं, आपको पता है कैमरे के आगे थोड़ा सा इनको मुश्किल लगता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको दिखाते हैं। ये जो मेन रोड है ये इनका सर्वर स्टेशन है, ये सारी गाड़ियों ने साफ़ करके, ये देखें ये BMW एक्स, ये ऑडी होगी, ये सारा सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है, जो इसके ऑनर है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो पीछे भी काम कर रहे हैं, आपकी जो है इनसे मुलाकात करवाते हैं, ये देखें ये खुद ही काम करते हैं, ये नहीं यहाँ पे पाकिस्तान जाते हैं दो डाले इनके आगे होते हैं सकाड के, और यहाँ पे ये देखो खुद जो है ना काम कर रहे हैं, ये देखें जब फ्री टाइम है ये मज़े भी ऐसे करते हैं, ये नहीं खाली काम शाम नहीं करते, सही है। तो चलें इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, फायद भाई आप सिर्फ 2 मिनट हमें दे रहे हैं फिर आप आसानी से अपना काम कीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये जो सिस्टम है पूरा पाकिस्तान वाला, ये अभी जो है ना साफ वगैरह करने लगे हैं सारी, ये गाड़ी की फुल सर्विस वगैरह करते हैं सबसे पहले, ये देखते हैं ये पूरा सिस्टम अंदर है, जैसे ये प्रेशर वगैरह जैसे बनता है, बहुत ही खुली डुली जगह, ये देखिए आप बहुत अच्छा एक माहौल है इधर, आप देखें ये अभी साफ कर रहे हैं इसको, नई गाड़ी है सारी, ये सारा सिस्टम है, ये हमारे शाह जी, अभी इनसे इंटरव्यू करते हैं फिर आपको डिटेल बताते हैं सारी, मैं अभी आपको जस्ट और जस्ट व्यू दिखा रहा हूँ जहाँ पर बनेंगे, क्या खूबसूरत दिन है आज का। फाइनली फाद भाई आपको वीडियो में आपने इनको काफी मरतबा मेरे साथ देखा, ये मेरे दोस्त हैं काफी पुराने बचपन के भाई भी हैं, पाकिस्तान में मिले कई मरतबा ऐसे ही है कि नहीं, बहुत मेहरबानी टाइम देने के लिए। अच्छा जी तुम हम सू दसो कि जो ये काम है करने के लिए कितने को आपको मैक्सिमम बजट चाहिए, बजट पैसे हो मच, बजट जो है वो आप पे डिपेंड होता है आप किस किस्म का, मतलब ये आपने ये छोटा ये सेटअप देखो जो इतना प्यारा लगाया हुआ है इसका आपने कितना खर्चा किया तकरीबन, ये तकरीबन पोजीशन के ज्यादा पैसे होते हैं, और अगर आपका काम चलता है आप किसी से लेते हैं उसका ज्यादा उसकी अमाउंट होती है, अगर आप काम खुद की जगह खरीद के उसको आप चलाना चलाते हैं तो उसके ज्यादा पैसे होते हैं, ये तकरीबन मुझको 85,000 की पड़ी थी तकरीबन 4-5 महीने हो गए, जैसे आप देख सकते हैं लोकेशन ये मेन रोड पे है, ये मीडिया जो है माशाल्लाह इतना खूबसूरत व्यू है, मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा खूबसूरत व्यू देखे आप आज। फाद भाई इसको खोलने के लिए कोई आपको क्या क्या चीजें, कोई एक्सपीरियंस चाहिए, कोई एक नया बंदा आता है तो कैसे खोल सकता है, डायरेक्ट आगे पैसे लगाए खर्च करे आगे खोल सकता है, कोई एक्सपीरियंस चाहिए, कोई सर्टिफिकेट चाहिए, क्या कुछ जरूरी है थोड़ा सा इधर आगे बता दें सबको, ये पीछे सब बंदे साहब काम भी कर रहे हैं, जो भी आप काम शुरू करना चाहते हैं कुछ मिनिमम जो है ना आपको एक्सपीरियंस थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि आप जितने बंदे जितने मर्जी आप कारीगर बंदे लगा लें काम के लिए पर आपको जब तक खुद नहीं ना पता कि काम सही हो रहा है या नहीं, तो इस वजह से आपको मिनिमम जो है ना थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अभी माशाल्लाह आपने 80,000 यूरो लगाया यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए, और आपकी महीने की आमदनी कितनी है बताना चाहिए बता सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है असल में मंथली जो है ना, क्योंकि कारोबार में यह है कि फिक्स नहीं होता, कई महीने बहुत
अप जाते हैं, कई महीने बिल्कुल डाउन जाते हैं। तो इस मतलब कोई अंदाजन कोई अमूमन हमें बता दें, अभी आप कितने बंदे आपके पास काम कर रहे हैं? हम माशाल्लाह पांच बंदे हैं। पांच बंदे हैं तो छठा मैं हूँ। थोड़ी खुद आपको मार जो है ना खानी पड़ेगी। आपकी एज कितनी है अगर आप बताना चाहें तो? मेरी 23 है। 23 में माशाल्लाह गाइस आप देखें कि इतना माशाल्लाह एक अच्छा सेटअप लगा के, इतनी अच्छी गाड़ी भी इनके पास, अपना कारोबार है। क्या एक्सपीरियंस, क्या जो नए लोग आते हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे कि इटली में आने के बाद आप जब बुरे कामों में ना पड़े, अपना काम शुरू करें बजाय किसी के नीचे करने की बजाय? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद बकायदा 3 साल मैं फैक्ट्री में लगा हूँ, बट जॉब भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, पर ये जो एक है ना, ये जो तनहा लफ्ज़ जो है इस, और तनहा का जो नशा है, पूरा महीना आप इंतज़ार करते हो काम करके जो है ना, आपको इस मतलब दिन को तनहा मिलेगी, ये पूरी ज़िंदगी एक आपको जो नशा पार जाता है ना, बंदा को महसूस नहीं होता। पर बात कर रहा था मैं तनहा की, तनहा भी मेरे मतलब मैं बड़ी एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो बहुत अच्छा है, काम है, कोई हराम वाला काम नहीं। जैसे को मैंने पिज़्ज़ा खोला था, वहाँ पे शराब भी रखनी पड़ती है बंदों को, फिर मयाले सूर भी बेचते हैं, उस दर्जे से तो मेरे हिसाब से हज़ार दर्जे बेहतर है ये आपका काम। मैं मुझे जो लगा है, जो मेरे दिल को जो बात लगी है, मैंने पता आपको कि मैं पिज़्ज़ा खोला था अपना, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें खाने वाले दुकान बनाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आपको क्या क्या मुश्किलें हैं, प्रतीता ही जिसको बोलते हैं टैक्सेशन, नए बंदे आते हैं वो कैसे खोल सकते हैं? नए बंदे के सबसे पहले जो है ना आवाज़ कैसे काम कर सकते हैं आप यहाँ पे, काफ़ी इस चीज़ की मुश्किल बनी है। जैसे तो क्या क्या परेशानी, जो नया बंदा है वो कब कितने कम से कम कितने पैसों में ये खोल सकता है अगर खोलना चाहे? मिनिमम जो है ना छोटी से छोटी रकम से आपको 30-35 से जो है ना रेट स्टार्ट होते हैं, और जाहिर है जगह की उस हिसाब से कीमत होती है, पोजीशन के हिसाब से। अगर आपके पंजाबी सी के अड्डे दे पैसे ने ज्यादा, अड्डे दे पैसे नहीं, पंजाबी उर्दू ही ठीक है। उर्दू मैं आई थिंक तुम्हारे कहने मतलब है कि अड्डे दे पैसे होते ने मेन। बिल्कुल, अड्डा चलता है उन्हें और पैसे ने, अड्डा मठा है उन्हें और पैसे ने। बिल्कुल, अड्डा चलता तुसी लेना है या मतलब रुकिया तुसी लेना है या कम चलता पे, इस हिसाब ना जेड़ा ना पैसे। मुझे इस बारे में मुझे नहीं इतना मालूम, क्योंकि मेरे पास यहाँ की नेशनलिटी है, तो मतलब इस तरह का मुझे तो कोई इस तरह इशू नहीं बना। और मेरे हिसाब से खोल सकते हैं, खोल सकते हैं। वो भी मेरे दोस्त है जिनके पास नॉर्मल सजोर है, उन्होंने भी अपना काम शुरू किया हुआ है। आई थिंक तो आपके पास कैसे नेशनलिटी है, आप क्या शादी दर की हुई आप नहीं बताना चाहें तो बता सकते हैं? नहीं भी कोई इतना इशू नहीं, शादी नहीं मैंने यहाँ की हुई, मैं इटली बोर्न हूँ। अच्छा, आप इटली पैदा की है, तो इस वजह से ठीक। बहुत शुक्रिया भाई जान आपका हमें इतना टाइम देने के लिए सर, बहुत शुक्रिया। और इसमें अभी हम आपको जो है ना बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने नहीं किया तो वो कर सकते हैं, ये नीचे बटन हमने लगा दिया रेड कलर का। तो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी टॉपिक पर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक पर ले आएंगे। और हमें दी इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।